वेलकम टू नई सुभास एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज टाइमलेस टेल्स अ फैबुलस इनिशिएटिव फॉर ऑल द स्टोरी लवर्स आउट देयर ब्रॉट टू यू बाय नई सुभा नरेटेड बाय हाजरा सलीम। बड़ा बेटा होने के नाते बाबा के इंतकाल के बाद मुझे कफील बना दिया गया। कम उम्र में मेरे कंधों पर पूरे खानदान की जिम्मेदारी डाल दी गई। मैंने हमेशा अपने तमाम फराइज बखूबी निभाए, हर जरूरत और फरमाइश पूरी की, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। लेकिन इस आजमाइश के लिए मैं तैयार नहीं था। यह हसीन वादी बर्फ की चादर ओढ़े गहरी नींद सो रही थी। पहाड़ों की आगोश में छुपा आबशार भी जमकर किसी साफ शफाफ आईने की तरह चमक रहा था। सारे तनावर दरख्त किसी चाको चौबंद दस्ते की मानिंद लग रहे थे और उनकी सूखी शाखें दो धारी तलवारों की तरह हमला करने के लिए तैयार खड़ी थीं। लेकिन हम यहाँ इस दिलफरेब नज़ारे से लुत्फ़अंदोज होने नहीं आए थे। हलक से निवाला उतरे 2 हफ्ते हो चुके थे। बर्फीली हवा के थपेड़े हमारी हड्डियों में चुभ रहे थे। इस तूफान से बचने के लिए हर कोई अपने बिल में जा छुपा था। हमारी हिम्मत और हौसला दोनों जवाब दे चुके थे। अशर ने मेरे हाथों में दम तोड़ा था। अगर अब किसी और मासूम की जान गई तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मैं अभी इसी फिक्र में डूबा था कि अचानक चलते चलते कुछ फासले पर मुझे एक धुंधली तस्वीर नज़र आई। कहीं मुझे कमज़ोरी से सैराब तो नज़र नहीं आने लगे। मैंने पलट कर अपने भाई की तरफ देखा। उसके एक इशारे ने मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दिया। ये कोई साया, ख्वाब या छलावा नहीं था, बल्कि एक जीती जागती हकीकत थी। पलक झपकते ही हमारा पूरा झुंड एक सीधी कतार में आ गया। हमने बहुत ध्यान से आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव ढलान से उतरना शुरू किया। हमारी एक जरा सी गलती, एक छोटी सी आवाज़ उसे चौकन्ना कर सकती थी और हम इस वक्त किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त करने की हालत में नहीं थे। जब तक उसे खतरे का एहसास हुआ, हम उसे चारों तरफ से घेर चुके थे। उसके फौलाद जैसे सींग, मोटी गर्दन, सियाह रुआ, भारी जिस्म और चाबुक जैसी दुम देखकर मैं एक पल के लिए हिचकिचाया। लेकिन हम 12 थे और वो अकेली, और जंगल का कानून इंसाफ पसंद नहीं होता। हमारी तादाद का अंदाजा होने पर मैंने उसकी खुर्रांट आंखों में खौफ को उतरते हुए देखा। जब जान पर बनाती है तो हर कोई हाथ पैर मारता है। उसके पास भी डटकर मुकाबला करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इससे पहले कि वो भागने की कोशिश करती, मेरे भाई और भतीजे ने उस पर बेरहमी से धावा बोल दिया। उसने अकलमंदी का मुजाहिरा करते हुए फौरन उछल कर अपने मजबूत खुर से दोनों को ढेर कर दिया। एक एक करके सब ने उसे चित करने के लिए अलग अलग पैंतरे आजमाना शुरू किए। वो भी टस से मस ना हुई और बहुत बहादुरी से अपना दिफा करती रही। वो सब अगले 15 मिनट तक आपस में भिड़ते रहे। बिलाखिर उसके जख्मी पैर डगमगाने लगे। अब बस एक आखिरी वार की जरूरत थी। अब तक तो मैं वहीं खामोश खड़ा जिंदगी और मौत का तमाशा देख रहा था, लेकिन अब इस कहानी को अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया था। या आर या पार। मैंने 2 कदम पीछे लिए, अपने नोकीले पंजे खोले, एक लंबी गहरी सांस ली और उछलकर एक झटके में पर्दा गिरा दिया। पेट भर जाने के बाद हम सब घर की तरफ वापस चल दिए। जाते जाते मैंने मुड़कर वादी की तरफ एक आखिरी बार देखा। सफ़ेद बर्फ पर सुर्ख छींटे डूबते सूरज की तरह चमक रहे थे। ये निशान गौर व फिक्र करने वालों के लिए कुदरत के उसूलों की अकासी कर रहे थे। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। बका की इस जंग में आज भूख की जीत हुई। टाइमलेस टेल्स में अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी रोज एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अंटिल देन, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।